हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत जबरदस्त सवाल लेकर आए हैं। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल आपके एग्जाम में निश्चित यानी कि 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा बच्चों, यकीन मानिए। इस तरह के सवाल आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस इंटीग्रेशन को आपका कैसा इंटीग्रेशन है ये पहले समझ लीजिएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 to π/4, यानी ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों। इस चीज पर पहला फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तुरंत इसको आप लेट कर लीजिए आई। जैसे ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन देखें उसको आई मानिएगा, ठीक है। आई मानने के बाद तुरंत उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे बच्चों। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 क्यों बताया जा रहा है भाई। इंटीग्रेशन 0 to π/4 की पहचान, प्रॉपर्टी 4 की पहचान कैसे करेंगे, ये देखिए 0 to a fx dx है ना, ये इसी टाइप का लिखा हुआ 0 0 a fx dx लिखा है कि नहीं लिखा। ये हमारा फंक्शन है बच्चों और ये dx है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा, जो अपर लिमिट है उसमें से ये वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस x, देन ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि जो फंक्शन होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसमें अपर लिमिट में से उसको माइनस करके उस फंक्शन के वेरिएबल की जगह लगा दिया जाता है। समझ में आ गया, तो चलिए यहां पे भी यही करिए। तो 0 to क्या हो जाएगा, π/4 log 1 + 10। इस x की जगह हम π/4 से माइनस करके रखेंगे, π/4 माइनस x हो गया भैया प्रॉपर्टी 4 यूज, ये देखिए यूज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 0 to π/4 बच्चों लिखा रहेगा, log लिखा रहेगा, 1 + 10 a - b का फॉर्मूला लगेगा। 10 a - b का क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, 10 a π/4 माइनस 10 b एक्स है अपॉन 1 + 10 a, ए हमारा है π/4 इंटू 10 b, बी है हमारा एक्स, ब्रैकेट बंद, dx। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि 10 π/4 का मतलब होता है 10 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। तो 0 to यहां क्या लिखेंगे, π/4 log, यहां पे हो जाएगा 1 + 10 π/4 का मान 1 होता है बच्चों, माइनस का 10x अपॉन 1 + इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 1 + 10x, ब्रैकेट बंद, और ये हो गया dx। एक स्टेप और करिए बच्चों, यहां से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए बच्चों, यहां से कितना एलसीएम आएगा, 1 + 10x, तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो इसका सीधा इसमें इंटू हो जाएगा 1 + 10x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x, यहां हो जाएगा आपका dx, ठीक है। तो देख सकते हैं 10x से 10x क्या हो गया, कैंसिल हो गया है बच्चों। 0 to π/4 फिर लिखेंगे log, 1 और 1 मिलकर हो गया 2, नीचे है 1 + 10x है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहां लिख गया dx। जैसे ही स्टेप आपका ये क्लियर हो जाए तुरंत इक्वेशन नंबर बच्चों दे दीजिए, सेकंड, क्या दे दीजिए, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या करें, बस यही तो एक सिस्टम है। फर्स्ट आप जैसे ही प्रॉपर्टी 4 यूज करें तुरंत फर्स्ट इक्वेशन दे, लास्ट में जहां फाइनली आप सवाल को एंड करते हैं आपको लगता है कि इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन वहां पे दीजिए, और सेकंड इक्वेशन जब मिल जाए तो हम फर्स्ट को सेकंड में ऐड करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 हटा लीजिए। चलिए अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये हमारा आई तो चल रहा था बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ऐड करेंगे तो आई और आई, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा तो 2i हो गया, ये वाली वैल्यू के बाद क्या लगेगा, प्लस दूसरी वाली वैल्यू ऐड होगी, तो ये चीज तो कॉमन है ना, 0 से π/4, तो 0 से π/4 कॉमन करेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे log 1 + 10x ये वाला, फिर प्लस लगा के ये वाला log 2 upon 1 + 10x, 2 upon 1 + 10x, बंद करके ब्रैकेट dx लिख दीजिए। बात समझ में आ गई, वेरी गुड।
अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगाना है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करिए, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करिए तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये हटा दे रहे हैं। ठीक, तो यहां लिखिए 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। तो फॉर्मूला लगाइए फटाक से, log m प्लस log n, तो ये ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। log m इंटू n लिखिए बच्चों, तो देखिए ये m है हमारा और ये हमारा n है, तो ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो log 1 प्लस 10x, ये हमारा m हो गया, इंटू n हमारे पास क्या है 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ये हमारा n हो गया। और उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, dx, ये वाला जो dx है वो यहां लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो वैल्यू है ना बच्चों, ये इसी की है, log की, किसकी है, log की। तो आप इसको इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, देन 2i इज इक्वल टू 0 टू हो जाएगा 5 बाई 4 log, क्या बचेगा केवल 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो आपको पता है, साफ साफ पता है ये एज ए कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है log 2, तो आप इसको आगे लिखिए क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 0 से क्या लिख जाएगा 5 बाई 4 और बचेगा केवल 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x होता है, वेरी गुड, क्या होता है, x होता है, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 4। तो पहले अपर लिमिट लगाइए फिर माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 ऐसे लिखा रहेगा बच्चों, क्या लगेगा, पहले अपर लिमिट पाई बाई 4, माइनस करिए लोअर लिमिट 0। ठीक है, वेरी गुड, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 4 ही तो बचा है, 0 का कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा बच्चों, log 2 में इसका इंटू मत करिएगा, ये आगे आएगा, कहां आएगा, आगे आएगा, ये log की वैल्यू थोड़ी ना है, तो पाई बाई 4 को आगे लिखिए, पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 2 को नीचे ले जाइए, पाई बाई 8 log 2, यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों, देखिए i का क्या आ गया, i इज इक्वल टू, i आपने इसी को माना था, तो इसका आंसर क्या है, पाई बाई 8 log 2।